हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज से जो है हम इकोनॉमिक सेक्शन की तरफ आएंगे। तो इकोनॉमिक सेक्शन से मैंने जो टॉपिक लिया है वो है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के ऊपर जो है हम टॉप 200 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि छोटे से छोटे एग्ज़ाम और बड़े से बड़े एग्ज़ाम तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, ऑलमोस्ट 10 से 15 साल पुराने एमसीक्यूज जो हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के ऊपर। सिर्फ हम एक ही टॉपिक ले रहे हैं, नेशनल इनकम, क्योंकि हमारे कुछ ऐसी जीकेएसएस में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पे डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी लिखा हुआ है। तो इंडियन इकोनॉमी, दैट मीन्स इकोनॉमी में ज़्यादा मैक्रो कंसेप्ट आता है। तो इंडियन इकोनॉमी है तो उसमें हमें मैक्रो लेवल का ज़्यादा पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमने ज़्यादा पढ़ना है। तो ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही है। और जैसे जहाँ पे लिखा होता है जर्नल इकोनॉमिक्स, जहाँ पे लिखा होता है तो वहाँ पे चांसेस जो है ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आने के होते हैं। तो इसलिए हम जो है पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मैंने जो टॉपिक चुना है वो है नेशनल इनकम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो इसके ऊपर जो है हम टॉप 200 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि आज तक डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग? नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम नेशनल इनकम ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए नेशनल इनकम होती क्या है। तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती हैं 1 साल के टाइम के अंदर अंदर, लेकिन कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है? हमारी जो सॉरी डोमेस्टिक नहीं, हम नेशनल इनकम की बात, वो जीडीपी में डोमेस्टिक की बात आती है, तो यहाँ पे नेशनल इनकम की बात आ रही है। तो ये नेशनल लेवल की बात करेंगे, हम नेशनल इनकम की बात करें जो नेशनल लेवल, जिसमें हमारे पास रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट भी आता है एज वेल एज नॉन रेजिडेंट भी आता है, ठीक है? तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है, अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है। हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं तो एमसीक्यूज के लेवल का ही हम डिस्कस करेंगे। अगर ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इंडिविजुअली जो है हर टॉपिक के ऊपर जो है एक तफसीलन जो है वीडियो भी बनाऊंगा। तो नेशनल इनकम, हमने ये बात की कि नेशनल इनकम जो है ये एक ऐसी वैल्यू होती है तमाम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है 1 साल के टाइम के अंदर अंदर। फाइनल गुड्स क्या होती है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, ठीक है? फाइनल गुड जब बनती है फिर उसे दोबारा रीसेल नहीं किया, उसे बेचा नहीं जाता है, ठीक है? जो बेची जाती है दोबारा से रीसेल की जाती है, उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात आती है, ये आपने याद रखना है। तो नेशनल इनकम में वही गुड्स आएंगी जो फाइनल गुड्स होंगी, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए नेशनल इनकम मैक्रो कंसेप्ट है। तो इसलिए नीचे दिए गए जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें मैक्रो लेवल का कंसेप्ट कौन सी लाइन में दिया होगा, तो वही जो है हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो पहला जो हमारा ऑप्शन दिया वो है नेशनल इनकम एट इंडिविजुअल लेवल। नेशनल इनकम एट इंडिविजुअल लेवल, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है। तो नेशनल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ डील नहीं करता, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है, इसलिए ये ऑप्शन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास नेशनल इनकम आर आउटपुट अकाउंटिंग एट एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट लेवल होता है इकोनॉमी एज ए होल, जहाँ पे हम पूरे कंट्री की बात करेंगे, ठीक है? तो वो हमारा एग्रीगेट लेवल होता है। और हमारे पास पीछे लिखा हुआ है आउटपुट, तो हमने इनकम जो हमारा नेशनल इनकम है उसको मेजर करने का एक मेथड भी है हमारे पास, जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। दूसरा नाम आउटपुट मेथड भी है, तीसरा प्रोडक्ट मेथड भी है। तो हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि यही वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? उसके बाद इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर को मेजर करने के लिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है काम नहीं करती, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट गलत है, और ऑल ऑफ दीज तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर इन इंडिया? हिंदुस्तान में जो अकाउंटिंग ईयर है ये किस डेट से किस डेट तक है? क्योंकि जब भी हमें फाइनेंशियल ईयर निकालना होता है कि 1 साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई है कंट्री के अंदर, तो उसके लिए हमें एक टाइम पीरियड रखना पड़ता है, ठीक है? तो वो टाइम पीरियड इंडिया के अंदर क्या है? क्या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक है, क्या 31 जनवरी टू 1 दिसंबर तक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक है, या 1 मार्च टू 28 फेब तक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर जो है हमारे इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग? नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? तो इससे क्या होता है कि एक तो हमें कंट्री की इकोनॉमिक अचीवमेंट के बारे में पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना आगे बढ़ रही है, कितना हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है। तो हमें जब हम नेशनल अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं, नेशनल इनकम अकाउंट को तैयार करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इससे हमें एक स्पेशल इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ द कंट्री की आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? टू एस्टेब्लिश द सूटेबल बेस फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द
एक एप्लीकेबल पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज जो है देश के अंदर चल रही होती है, जो इंप्लीमेंट हुई होती हैं, तो उनकी इवैल्यूएशन के बारे में भी हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग से पता चलता है। एक ऐसी बेस मिल जाती है हमें, जिस बेस से हमें पता चलता है कि जो पॉलिसीज हमारी कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट हुई हैं, तो वो पॉलिसीज किस हद तक जो है कामयाब है या किस हद तक नाकामयाब रह चुकी है, तो वो पता भी हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग से चलता है। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन जो इसके ठीक है, इसका सी ऑप्शन आएगा आंसर, बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है। तो जीडीपी, तो जीडीपी होती क्या है, जीडीपी एक ऐसी मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड एंड सर्विसेज की जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, देख ठीक है याद रखना है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग 1 ईयर। याद रखना जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन भी आता है, जीडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन भी आता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टेयर। मतलब जो चीज़ हम लेते हैं, जैसे मशीन है, मशीन जब हम लेते हैं उसको यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जीडीपी के अंदर हम डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं। तो जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं तो हमारे पास एनडीपी बचता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, फार्मूला हमारे पास आ गया, पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू कमोडिटी, प्राइस डिवाइड बाय कमोडिटी, प्राइस माइनस कमोडिटी, या प्राइस प्लस कमोडिटी। तो हमें पता ही है जीडीपी में मल्टीप्लिकेशन होगी, तो दैट मींस प्राइस इंटू कमोडिटी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज जीएनपी एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट जो है, इस दोनों के ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कास्ट क्या होता है। तो मार्केट प्राइस हमें पता चलता है अवेलिंग प्राइस जो मार्केट के अंदर होती है उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं, और फैक्टर कास्ट जो होता है जिसमें हम टैक्सेस वगैरह को माइनस कर लेते हैं, एनआईटी, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह की बात जहां पर की जाए तो समझो वहां उसे हम फैक्टर कास्ट कहते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हमारे पास मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस वो किसके बराबर होता है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है। तो देखो भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हमारे पास नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड जो है वो भी इंक्लूड होता है, ठीक है, तो उसको हम जीएनपी बोलते हैं। दैट मींस जीएनपी जो है हमारे पास किसके बराबर होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर प्लस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, दोनों चीजों को ऐड करके हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलेगा। उसके बाद हमारे पास है एनडीपी एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, एनडीपी। तो अभी मैंने आपको बोला कि जीडीपी में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करो तो आपके पास एनडीपी बचता है, जीडीपी ग्रॉस। तो ग्रॉस में से जब आप डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो ग्रॉस खत्म हो जाएगा और इसकी जगह नेट आ जाएगा। तो दैट मींस इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए पार्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन दैट इज इक्वल टू एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 6 क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से हम डेली जो है पूरे के पूरे 200 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और बाकी जो अगर आपको तफसीलन वीडियो चाहिए हर टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं उस अंदाज से भी जो है आपके सामने वीडियो पेश रखूंगा। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइएगा कि आपको 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे और कितने क्वेश्चन आपके गलत थे, कमेंट सेक्शन में आप ये भी जरूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं हम ऐसे ही मज़ेदार धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी अगर मुश्किलात का सामना आता है तो आप उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।